नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं द चौपाल। हांगकांग जल रहा है, आज़ादी की मांग करते लाखों लोग सड़क पर हैं, एयरपोर्ट पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और चीन ने विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी है। इस आंदोलन ने चीन को बुरी तरह से हिला कर रख दिया है और इसके पीछे जो शख्स है उसकी उम्र महज 23 साल है। नाम है जोशुआ वांग, एक दुबला पतला सा लड़का जिसने चीन सरकार को हिलाकर रख दिया, जिसने दुनिया के ताकतवर देश के वर्चस्व को चुनौती दे डाली। जोशुआ की एक पार्टी भी है जिसका नाम है डोमी शिस्टो। सबसे खास बात यह है कि इस पार्टी में सभी सदस्यों की उम्र 20 से 25 साल है। जोशुआ ने यह आंदोलन यूं ही नहीं शुरू किया बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प कारण है। दरअसल 1997 में जब इंग्लैंड ने हांगकांग चीन को वापस लौटाया तो कुछ शर्तें भी रखीं। शर्त ये थी कि हांगकांग की पूंजीवादी व्यवस्था बरकरार रखी जाए और साथ ही ये भी शर्त रखी गई कि हांगकांग अपना प्रशासन खुद चलाएगा। चीन ने भी ये वादा किया कि वो रक्षा और विदेश मामले को छोड़कर हांगकांग के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हांगकांग को एक विशिष्ट प्रशासकीय क्षेत्र घोषित किया गया और एकल देश दो प्रणाली लागू हुआ। चीन की व्यवस्था साम्यवादी है और हांगकांग पूंजीवादी। लेकिन चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी एक बिल लेकर आई जिसमें प्रावधान था कि हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को चीन लाकर मुकदमा चलाया जाएगा। क्योंकि चीन ने वादा किया था कि वो हांगकांग के प्रशासनिक क्षेत्रों में दखल नहीं देगा, इसलिए चीन सरकार के इस बिल के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन शुरू हो गए और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं जोशुआ वांग। जोशुआ वांग ची फंग हांगकांग में लोकतंत्र स्थापित करने वाली पार्टी डेमोसिस्टो के महासचिव हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक स्टूडेंट ग्रुप स्कॉलरिज्म की स्थापना की थी। वांग ने 2014 में एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका नाम था अम्ब्रेला मूवमेंट। इस आंदोलन के बाद वांग को टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में जगह मिली। 2014 में फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें दुनिया के महानतम नेताओं में शुमार किया। हालांकि जोरदार आंदोलन के चलते विधेयक वापस ले लिया गया, लेकिन प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ। आंदोलनकारी हांगकांग में अधिक लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि चीन हांगकांग की समृद्धता में अपना दखल बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें चीन पर टिकी हुई हैं कि वो इस आंदोलन से कैसे निपटता है, क्योंकि आंदोलनों को बर्बरता से कुचलने के लिए चीन कुख्यात है। तियानमेन चौक नरसंहार को दुनिया भूल नहीं सकी है, जिसमें आंदोलन कर रहे छात्रों को टैंकों से कुचल दिया गया था। अब देखते हैं हांगकांग में हो रहे आंदोलन से चीन कैसे निपटता है। मैं हूं अविनाश, आप देख रहे हैं द चौपाल। कैमरे में मेरा सहयोग कर रहे हैं ललित कुमार।